दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जगत ज्ञान में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विंडोज़ 7 कैसे डाउनलोड करें, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 10 कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ, विंडोज़ 10 का ISO फाइल डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा। ये ISO फाइल है, ये वही फाइल है जिसको हम DVD में भी बूट करते हैं और पेन ड्राइव में भी बूट करते हैं। इसके बिना विंडो नहीं डलेगी आपकी DVD और पेन ड्राइव में, ये आपके पास होनी ज़रूरी है, देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं कैसे यह डाउनलोड होगी। और डाउनलोड के लिए जो है मैं इसका लेटेस्ट वर्जन बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आपको इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, और यहाँ पर आकर लिखना क्या है, विंडोज़ 10 डाउनलोड, और ऐसे करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट खुलेगी आपको इसी को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ से एक टूल डाउनलोड होगा। यहाँ पर डाउनलोड टूल पर क्लिक करेंगे, ये आप नीचे की साइड में देखेंगे डाउनलोड होने लगेगा। टूल डाउनलोड होने के बाद ओपन करिएगा। अब यहाँ पर आपको ISO फाइल डाउनलोड कैसे करनी है इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है, पूरा देखेंगे तभी से समझ पाएंगे। यहाँ पर लाइसेंस वगैरह कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इसे चाहो तो पढ़ लो। यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा आपको, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लेंगे, लेकिन मैं अपडेट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए कुछ अलग स्टेप होते हैं। फ़िलहाल अभी हम अपने मैटर पर बात करते हैं, हमको ISO फाइल चाहिए। ये देखिए ISO फाइल, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ पर मार्क लगा होगा यूज डॉक्यूमेंट, इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको 32 बिट डालनी है तो 32 बिट की ISO डाउनलोड कीजिए, 64 की डालनी है तो 64 की। अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही ले लूँ, किसी और सिस्टम में भी अलग अलग इंस्टॉल कर सकूँ, तो यहाँ पर बोथ सेलेक्ट करना होगा, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर अब ये ऑप्शन लगा रहेगा पहले से ही कि USB ड्राइव में फ्लैश होनी है ये, तो आपको ये वाले पे नहीं करना है, आपको ISO वाले पे करना है। ISO पे फिर जो है आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, उसको कभी भी बूट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछेगा आपको कहाँ पर सेव करनी है, तो आप अपनी फोल्डर बता दीजिए इसको जहाँ पर सेव करनी है, और इसके बाद सेव कर देंगे। ये करीब होगी 6 से 7 GB के अंदर होगी ये फ़ाइल, अगर आप दोनों ही कर रहे हो 64 और 32 बिट की। और 32 बिट की करोगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, 64 की अलग से थोड़ी और भी कम हो जाएगी होगी। अब इसके बाद जो है, अब इसे पेन ड्राइव या DVD में बूट करना होगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं बूट करके बता दूंगा कि कैसे बूट होगी। और फिर इसके बाद मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊँगा उस कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।